गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम इस पोएम को पढ़ते हैं। मैं ललित मोहन, इंग्लिश टीचर, एज पीजीटी, 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए प्रिंसिपल, आज आपके सामने उपस्थित हूँ ये पोएम लेकर के, जिसका नाम है आ रोड साइड स्टैंड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकती है। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आप मदद करेंगे। इस विषम परिस्थिति में आप उनकी मदद करने की सोच रखिएगा। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज ब्यूटिफुल किन, ये उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा है कि जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, ब्यूटिफुल किन है, रिलेटिव्स हैं, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन to live in villages, यानी उनको mercifully एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको ले जाकर के विलेज के पास रखा गया, जहाँ उन्हें थिएटर एंड स्टोर के पास में, जो गोदाम होते हैं उनके पास रखा गया है। Where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ वो अपने बारे में जरा सा भी नहीं सोच पाएंगे। While greedy doers, greedy good doers, यहाँ पर एक irony use की गई है, electrician भी यहाँ पर है, because जी यहाँ पर repeat हुआ है। greedy good doers, oxymoron figure of speech is used here. greedy good doers means greedy है और good doers means अच्छाई करने वाले भी हैं। वो greedy good doers जो अच्छा कर रहे हैं लेकिन लालची हैं। beneficent beasts of prey, वो benefit कर रहे हैं लेकिन वो beast of prey हैं, यानी वो शिकार भी कर रहे हैं। swan over their lives and forcing benefits, उनके जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं, उनको ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर वेट्स, जिससे कि वो अपनी सोचने की शक्ति को या बुद्धिमानी को खो सकें, यानी उनका काम ईजिली हो सके और वो उनके लिए ही काम करते हुए मर जाएँ। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें ये सिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें पूरे दिन सोना है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, यानी पुराने तरीके से वो उनके सोने के तरीके को खो देते हैं, उनके सोने के तरीके को बर्बाद करते हैं। जैसे पहले आराम से रात को सोया करते थे, अब वो नहीं सोते हैं, रात को जागते हैं और दिन में वर्क करते हैं। ऑब्वियसली बीमारी उनको होनी होनी है। समटाइम्स, कभी कभी मैं फील करता हूँ, आई फील माई सेल्फ, यानी यहाँ पर पोएट फील करता है, आई कैन हार्डली बियर, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यानी ये जो बचकानी डिज़ायर है, इच्छा है, ये व्यर्थ है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यानी वो सैडनेस जो उन्हें आकर्षित करती है किस बात के लिए, उस ओपन विंडो से देखते हुए। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, यानी वो प्रेयर करते रहते हैं कि हे भगवान, कोई व्यक्ति आए हमारे यहाँ आकर के रुके और हमारे सामान को खरीदे, जिससे हमें पैसा मिले और हमारा जीवन चल सके। फॉर द स्पीड ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक तेजी से वहाँ लगते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, यानी वो जो सेल्फिश कार्स जिसमें जाने वाले लोग वहाँ से पास होते रहते हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, यानी वो कम से कम वहाँ आकर के रुके और ये जाने कि उस किसान की जो चीज़ वो बेच रहा है उसकी कितनी कीमत है। एंड वन डिड स्टॉप, उनमें से एक रुकती भी है, बट नॉट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, यानी सिर्फ घास को उखाड़ने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यानी उस यार्ड को यूज़ करने के लिए, अपनी कार को टर्न करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरी ये पूछती है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। यहाँ तक आप इस पोएम को पढ़िए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इट विल बी यूज़फुल फॉर अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।